गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। वेलकम टू द क्लास। ऑलराइट, गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग राहुल। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और जल्दी से मुझे बता दीजिए कि मेरी ऑडियो क्लियर है, मेरी वीडियो क्लियर है, और इस वीडियो के लिंक को आप जल्दी से अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लर्नर्स हैं वो यहाँ से बेनिफिट उठा पाए। जल्दी से जुड़ जाए गाइस। आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास। कल जो हमने पढ़ा था एजवर्ड बॉक्स, अगर वो सबको समझ में आ गया है तो आज का लेक्चर जो होने वाला है परेटो ऑप्टिमैलिटी और केल्डर एंड हिक्स क्राइटेरिया, एंड इफ द टाइम अलाउज अस हम स्टॉस्की पैराडॉक्स भी करेंगे। तो ये वाला लेक्चर सभी को बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। हेलो ज्योतिका, वेलकम टू द क्लास। जल्दी से सभी लोग इस वीडियो के लिंक को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लर्नर हमारे साथ यहाँ पे जुड़ पाए। ऑल्सो गाइज, आप लोगों के लिए क्विक से अनाउंसमेंट है कि कल हम मॉर्निंग में अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे 10 AM, और इवनिंग में हम इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन करेंगे। अब जो इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट आया हुआ है उसके बाद कोई भी पेपर नहीं हुआ है तो हम पास्ट ईयर्स नहीं करेंगे, लेकिन हम पास्ट ईयर्स के पैटर्न पे ही अपने इकोनॉमिक सर्वे को 2021 के पूरा रिवाइज कर लेंगे। ओके, हेलो हेलो, आई एम वेल राहुल, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ आर यू। हेलो रविंदर, वेलकम टू द क्लास। हेलो आशा, वेलकम टू द क्लास। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। ऑल राइट गाइज, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो। नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब आप पार्ट बन चुके हैं इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की, और आप अपना ड्रीम को अचीव कर सकते हैं टू क्रैक NTA UGC नेट इकोनॉमिक्स। तो अगर अभी तक आपने हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अनअकैडमी डाउनलोड करते ही आपको आप मेरा कोड सावेरी10 यूज कर सकते हैं एज अ रेफरल। ऑल्सो गाइज, टॉकिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शन, हर वेडनेसडे को हमारे कोर्सेज लॉन्च होते हैं तो आपको कॉन्टिन्यूटी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप अपनी तैयारी बिल्कुल आराम से यहाँ से कर सकते हैं। Also guys, a little about myself. I am SRCC Economics graduate. I have done my masters from CESP JNU in Economics and Planning. I have worked as a research associate with Indian Statistical Institute and I have been your online mentor for UGC NET Economics. All right guys. So yahan pe hum paper 1 aur paper 2 ki taiyari jo hai economics ki apne Unacademy app ke subscription se bahut easily kar sakte hain. Paper 1 ki taiyari aur economics ki taiyari, aur isse related aap dekh sakte hain 21 subjects hain yahan pe aapke liye. Commerce, management, English, history, aise 21 subjects Unacademy aapke liye leke aayi hai. So what are you waiting for guys, do enroll. Also guys, plus subscription की यहाँ पे बात कर लेते हैं, दोनों ही आप plus लेते हैं या iconic subscription, दोनों पे ही आपको मिलेंगे India's top educators, और यहाँ पे plus में मिलती हैं आपको live classes, quiz, test, structured courses मिलते हैं आपको, unlimited access मिलता है टू आर Unacademy app. इन सारे plus के features के साथ साथ iconic में मिलते हैं आपको personal guidance, test analysis, expert guidance, study material, और provide किए जाते हैं आपको study planner भी. Choose your course wisely. आप देख सकते हैं ये प्लस में आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं और लाइव टेस्ट भी आपको दिए जाते हैं. इसी के साथ साथ आइकॉनिक में प्लस के इन सारे फीचर्स के साथ साथ मिलते हैं आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटीरियल और SOP प्रिपरेशन. ऑल्सो गाइज, आप If you have planned to buy plus subscription or the iconic subscription, आप मेरा कोड सावेरी10 यूज कर सकते हैं. You will get 10% discount both for plus and for the iconic course. So choose your course wisely. Also guys, मैंने जैसे आपको बताया कि हमेशा हर वेडनेसडे नए कोर्सेज नए लॉन्च होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी के, कॉमर्स के पेपर 1, पेपर 2, पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिंदी के लिए, मैथमेटिकल साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इन सारे 6 वैकेंसीज को लॉन्च किया जा रहा है फॉर योर प्रिपरेशन.
ऑल्सो गाइज, 1 day टू गो, प्राइस हाइक होने वाला है. जैसे आई हैव बीन टेलिंग यू कि आज रात 11:59 तक आपको प्राइजेज जो है वो ओल्ड पे ही मिलेंगे, करंट प्राइजेस पे ही मिलेंगे. और न्यू प्राइजेस में आप देख सकते हैं कि जो आपका प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है. सो ये आपके लिए आखिरी दिन बचा है जिसमें आप अपनी इन्हीं प्राइजेस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सो देयर इज अ प्राइस हाई कलर्ड, प्राइस इंक्रीज होने वाले, तो जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. ऑल्सो गाइज, हेयर इज अ बग बाउंटी फॉर यू. अगर आपको कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक फॉर्म है, आप उसको फिल कर सकते हैं, हमें रिपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी फर्स्ट होगा उसको इस इश्यू पे क्लेम मिलेगा, प्राइस मिलेगा. तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और आप एक इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को हटवा भी सकते हैं बाय फिलिंग अ फॉर्म. ऑल राइट, लेट मी सी द चैट बॉक्स. ठीक है राहुल, अभी हम पेपर टू पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बट आई एम वेरी सोन गोइंग टू कम अप विद पेपर वन एज वेल, सो स्टे ट्यून्ड. हेलो वंदना, हेलो, वेलकम टू द क्लास. हेलो निशु, आई एम वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ आर यू. ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट विद आवर क्लास. यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पारेटो ऑप्टिमैलिटी टूडे. ठीक है, और हम एंड कहाँ तक करेंगे, प्रोडक्शन मिक्स तक पढ़ेंगे हम पारेटो ऑप्टिमैलिटी को. पारेटो ऑप्टिमैलिटी जो है वो वाज प्रोवाइडेड बाय विल्फ्रेडो पारेटो. ठीक है, विल्फ्रेडो पारेटो ने प्रोवाइड किया था और इन्होंने ये दो बुक्स लिखी है, कोस्टे द इकोनॉमिक्स पॉलिटिक एंड मैनुअल द इकोनॉमिक पॉलिटिका. ठीक है, और इन दोनों बुक्स में इन्होंने वेलफेयर की बात करी है और ऑप्टिमैलिटी की बात करी है. अब ऑप्टिमैलिटी क्या है, कल बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे थे एजवर्क बॉक्स में से, आज उसको रिवाइज कर लेते हैं. ऑप्टिमैलिटी का मतलब है कि एक ऐसी एलोकेशन जहां से अगर आप शिफ्ट करेंगे तो किसी को वर्स ऑफ किए बगैर किसी को बेटर ऑफ नहीं कर सकते. इसका मतलब अगर ए और बी दो इंडिविजुअल हैं, ए का वेलफेयर 100 है, बी का वेलफेयर भी 100 है, तो पारेटो ऑप्टिमल है. अगर ये पॉइंट ऑलरेडी, ये अगर 100-100 वाला जो बंडल है, ये अगर पारेटो ऑप्टिमल है और हमें ए का वेलफेयर बढ़ाना है टू लेट्स से 120, तो बी के वेलफेयर को हमें घटाना होगा. ऐसा कोई केस नहीं होगा पारेटो ऑप्टिमैलिटी के बाद कि जहां पे पारेटो ऑप्टिमैलिटी है और यहाँ पे ए का बेनिफिट जो है वो बढ़ गया और बी का सेम रहा. ये भी नहीं हम कह रहे कि बी का बी बढ़ जाए, हम ये कह रहे हैं कि बी का सेम रहे, ऐसा कोई केस नहीं है. सो दिस इज पारेटो ऑप्टिमैलिटी. ठीक है, पारेटो क्राइटेरिया क्या है. अब पारेटो क्राइटेरिया वेलफेयर का क्राइटेरिया है. वो ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई पॉइंट है, इफ एनी रीऑर्गेनाइजेशन इन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज डज नॉट हैव एनीवन एंड मेक समवन बेटर ऑफ, मतलब कि अगर ए और बी का कोई एक पहला कंडीशन है जहां पे 100-100 उनको मिल रहा है, उसमें बी का ए का 120 कर पाए और बी को सेम रख पाए, बी के आपने वेलफेयर को सेम रखा, तो ये एक बेटर ऑफ पॉइंट है. ऐसे पॉइंट पे सोशल वेलफेयर होगा. ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा, इसी से सबको समझ में आएगा. अगर ये समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ती हूँ. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रितिक, वेलकम टू द क्लास. गुड इवनिंग रूपांशी. ऑल राइट, शिवानी इज सेइंग इट मींस नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली करेक्ट. तो यहां तक सबको क्लियर है, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दे दीजिए. अगर कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं. मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके जो भी ईयर्स भी हैं, जो भी बुक्स पारेटो ने लिखी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और दोनों की डेफिनेशन ही बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. ऑलराइट गाइस, अब ऋतिक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं. इट्स लाइक फॉर्मिंग अ माउंटेन एंड देन डिगिंग
Somewhere. So exactly, you have to dig somewhere to make a mountain. All right. ऑप्टिमल और एफिशिएंट दोनों सेम चीजें हैं शिवानी. परेटो एफिशिएंसी और परेटो ऑप्टिमैलिटी सेम ही चीज है. ऑल राइट. बहुत सारे लर्नर्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं. जल्दी से आप चैट बॉक्स में पहले तो ये बता दो क्लियर है कि नहीं. और एक दूसरी बात ये है कि कल जो हम मॉर्निंग में तो अपने पास्ट ईयर्स को एनालाइज करेंगे और इवनिंग में हम इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करेंगे. इकोनॉमिक सर्वे में से क्योंकि 2021 के बाद तो कोई हुआ नहीं है आपका एग्जाम, तो पास्ट ईयर नहीं, उसमें हम बस करंट के जो टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे. मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में पूरा का पूरा जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो रिवाइज करवा दूंगी. तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होगी. तो स्टे ट्यून्ड और क्लास को जरूर अटेंड करें. ऑल राइट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड. अब कल हमने ये एजवर्थ बॉक्स बनाया था, ठीक है. जस्ट अ क्विक रिवीजन. यहाँ पे हमारा टू इंडिविजुअल्स हैं और टू कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहे हैं. यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, जनरल इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं. ये हमने कल किया है क्लास में सब कुछ. एक्स नॉट तक आपकी कमोडिटी एक्स है ऑन द एक्स एक्सिस एंड कमोडिटी वाई इज ऑन द वाई एक्सिस, करेक्ट. और ये आपके आईसीज हैं, इंडिफरेंस कर्व है. येलो कलर से है ए का इंडिफरेंस कर्व और ब्लू कलर से क्या बी का इंडिफरेंस कर, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अगर उन सारे पॉइंट्स का लोकस निकाल दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है. और यहां से हम कल ही पढ़ के आए हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, एम आर एस ऑफ बिटवीन एक्स वाई, मतलब कितना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है बिटवीन एक्स एंड वाई for individual A is equal to MRS of individual B, ठीक है. तो ये एक पारेटो ऑप्टिमैलिटी आ गई फॉर एक्सचेंज. वही पारेटो कह रहा है, इन सारे पॉइंट से आप बज नहीं करेंगे. इक्विलिब्रियम बहुत सारे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे जितने भी चीजें टेंजेंट हो रही हैं वो सारी की सारी पारेटो ऑप्टिमल है. अगर इस पॉइंट से, इस परेटो ऑप्टिमैलिटी से आप कहीं और जाते हैं, कहीं और हिलते हैं, सो दैट किसी एक इंडिविजुअल का, लेट से ए का हमें वेलफेयर बढ़ाना है, हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले जाते हैं, तो बी का वेलफेयर कम होगा, ठीक है. आप इस पॉइंट से, ये लेट से ए एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट से आप इधर वाई पॉइंट पे जा रहे हैं, यहाँ पे ए का इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल पे पहुंच जा रहा है. राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं तो आईसी हायर आईसी पे पहुंच जा रहे हैं फॉर द इंडिविजुअल एक्स. बट इंडिविजुअल बी के लिए आप कम लेवल ऑफ आईसी पे पहुंच रहे हैं, तो बी का जो वेलफेयर है वो फॉल डाउन कर रहा है. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. पहली कंडीशन आ गई, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू एम आर एस एक्स वाई फॉर ए एंड बी, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, परेटो ऑप्टिमैलिटी फॉर द प्रोडक्शन. कल भी हमने किया था. यहाँ पे अब हम क्या ले रहे हैं, टू कमोडिटीज हैं एक्स एंड वाई और टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल एंड लेबर, ठीक है. गिवन लेवल ऑफ कैपिटल है, गिवन लेवल ऑफ लेबर है, इसलिए जब भी आपको अगर एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होता है या वाई की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होता है तो आपको कैपिटल और लेबर को रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा. लेट से अगर एक्स की प्रोडक्शन आपको इंक्रीज करनी है तो वाई में से आपको कैपिटल और लेबर लेके आपके एक्स में डालना होगा. तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं यहाँ पे लेबर,
और वाई एक्सिस पे हमने लिया है कैपिटल, ठीक है। यहां पे ये येलो और जो ब्लू कर्व्स हैं ये आपके दिखाते हैं आइसोकॉन्स। आइसोकॉन्स का मतलब हर आइसोकॉन पे एक गिवन लेवल ऑफ कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट से एक्स नॉट पे एक्स नॉट 100 है, 100 कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं आप एक्स की, फिर नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं अपना कैपिटल और लेबर इंक्रीज कर दे रहे हैं एक्स की प्रोडक्शन में, तो आप 200 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ऐसे ही आप 300 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और इस पूरे ही कर्व पे एक ही लेवल ऑफ प्रोडक्शन रहेगा। अब ये जो प्रोडक्शन कर्व है आइसोकॉन्स है, जब ये इंटरसेक्ट करेंगे किसमें, एजवर्थ बॉक्स में, देन वी विल गेट द परेटो ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन। ओके, सो इन सारे पॉइंट्स का भी जो लोकस होएगा उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर्व, और इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे सारे ही पॉइंट जो है वो परेटो ऑप्टिमल है। और हमने कल भी किया था, जल्दी से इस इक्विलिब्रियम के कंडीशन बता दीजिए, लेट मी क्विकली सी द चैट बॉक्स। मैम इसमें यूनिक इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं अनीश, हमने कल भी डिस्कस किया है कि जनरल इक्विलिब्रियम में कोई भी यूनिक इक्विलिब्रियम नहीं होता, ये सारे ही पॉइंट्स जहां पे आइसोकॉन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सारे ही पॉइंट्स इक्विलिब्रियम्स हैं, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स दैट आउट। अगर आपको जनरल इक्विलिब्रियम और एजवर्थ बॉक्स को बनाने में, ड्रॉ करने में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले कल का लेक्चर देख सकते हैं, वो इसका फंडामेंटल टॉपिक है जहां पे मैंने बिल्कुल ही बेसिक से आपको एजवर्थ बॉक्स करवाया है और दिस इज द नेक्स्ट इन लाइन। ओके, ऑलराइट, शिवानी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया है कि MRTS मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, सॉरी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मार्जिनल सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई फॉर इंडिविजुअल बी। तो ये कंडीशन हमारे पास यहां से आ रही है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है वो बराबर है यहाँ पे, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब हम प्रोडक्शन मिक्स कर रहे हैं, तो कल भी हमने ये एक कर्व ड्रॉ किया था, जल्दी से बता दीजिए इस कर्व का नाम क्या है। कल भी हमने ये ड्रॉ किया था, हेलो जहरान, वेलकम टू द क्लास, आई एम डूइंग वेल, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे हमने ली थी कमोडिटी एक्स और यहाँ पे हमने लिया था कमोडिटी वाई को, ये हमारा मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो है गिवन लेवल ऑफ कैपिटल एंड लेबर पे। इसको हमने पीपीएफ का भी नाम दिया था, ठीक है। और इसकी जो कर्व है ये हमें देती है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, MRPT। अब यहाँ पे कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई की एक सोसाइटी की सेटिस्फेक्शन जो है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो क्या देता है हमारा, ICs, इंडिफरेंस कर्व्स देते हैं हमें। इंडिफरेंस कर्व्स की जो स्लोप होती है उसकी स्लोप का नाम है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन आ गई प्रोडक्ट मिक्स से कि मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कितना आपने कैपिटल लगा निकाल के आपने एक्स की प्रोडक्शन में डाल दिया फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वाई, उसकी स्लोप इज इक्वल टू द MRS। ये आप अपने आप भी
जो है यहाँ पे कर्व्स बना के देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंजेंसी की कंडीशन है, यहीं पे परेटो ऑप्टिमैलिटी आएगी। यस करेक्ट वंदना, करेक्ट नीचू, करेक्ट जहरान, ऑल राइट, करेक्ट शिवानी, करेक्ट अनिश, वेरी गुड वेरी गुड गाइस, सबको याद है, कल की क्लास सबने अच्छे से अटेंड करी है। तो ये कंडीशन आ गई तीन हमारे पास परेटो ऑप्टिमैलिटी की। अब हमें यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन की भी एक कंडीशन हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अभी हम पढ़ के आए हैं एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज कब आएगी, जब MRS ऑफ A XY इज इक्वल टू MRS ऑफ B, ऑलराइट गाइस, और फैक्टर में कब आएगी, जब MRS MRTS मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन K एंड L इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर द B, ठीक है, यहां तक सभी को कलर क्लियर है। एक कंडीशन ये आ गई आपकी परफेक्ट कंपटीशन से। ऑल्सो अगर परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में तो MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY ऑफ एनी इंडिविजुअल इंडिविजुअल ए भी वो अपने प्राइजेस से इक्वेट करने की कोशिश करेगा। मतलब कि जब आप आईसी बनाते हैं आईसीज को तब वो आपके जो बजटरी फंक्शन है हर इंडिविजुअल जो है ए एंड बी वो उससे इंटरसेक्ट करवाएगा तो प्राइजेस के इक्वल हो जाएगा। हमारा MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई है। क्यों? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है फॉर प्रोड्यूसिंग द अदर कमोडिटी, ठीक है, ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। ऑलरेडी हम पढ़ के आए MRT इज इक्वल टू MRS, तो इन सारों को अगर आप एक्यूमुलेट करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि MRS इज इक्वल टू MRT इज इक्वल टू MRTPTS इज इक्वल टू PX बाय PY इज इक्वल टू MCX बाय MCY, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा, इन क्वेश्चंस में से बहुत बड़ा शेयर आ जाता है आपका इन द एग्जाम सेंटर। जो डिफिकल्टी लेवल जिन क्वेश्चंस का हाई रहता है वो यही क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम सेंटर में। ओके मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये, जिसकी क्वांटिटी आपकी क्या होती है MRT की इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। जो मार्जिनल कॉस्ट है परफेक्ट कंपटीशन में वो PX बाय PY होते हैं और PX बाय PY अभी हमने पढ़ा कि वो MRS के बराबर होता है, तो इसीलिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई फॉर द परफेक्ट कंपटीशन। आई होप दिस इज क्लियर। कौन सा डायग्राम वंदना? तीन हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। यस शिवानी, वी कैन से इट इज द बजट लाइन और द प्राइस लाइन, एग्जैक्टली करेक्ट। आई होप वंदना आप ये वाला डायग्राम कह रहे हैं। इसके अंदर हमने एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाया है जहां पे गिवन लेवल ऑफ कैपिटल और लेबर पे हम मैक्सिमम क्वांटिटी और एक्स वाई की देख सकते हैं कि मैक्सिमम सोसाइटी इतना प्रोड्यूस करेगी। आईसीज कर्व जो है हमारे वो हमें बताते हैं कि सोसाइटी की सेटिस्फेक्शन क्या चल रही है। जब वो इंटरसेक्ट करेगी तो आपको पता चलेगा MRPT मार्जिनल रेट ऑफ
मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारा MRS के बराबर है, ठीक है, फर्स्ट वाला। ये है फर्स्ट वाला आपका डायग्राम, ये वरना हमने कल भी किया था। यहाँ पे हमने दो दोनों के ICs लिए हैं, इन डिफरेंस कर्व्स लिए हैं, ए इंडिविजुअल के और इंडिविजुअल बी के लिए, जहां पे उनके ICs जो है वो टेंजेंट है, वहां पे हमें एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलती है, जनरल इक्विलिब्रियम की, और इन सारे पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो वो एक लोकस देता है हमें। उस लोकस को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व। और यहाँ पे मल्टीपल आपके इक्विलिब्रियम्स है, यही है ये कर्व। ये है आपके, यहाँ पे तो कोई फिगर ही नहीं है, कट नहीं बोलेंगे शिवानी, टेंजेंट बोलेंगे। कट का मतलब तो इंटरसेक्ट भी हो सकता है, आपको टेंजेंट बोलना है हर जगह पे, बट अदरवाइज वेरी गुड डेफिनेशन। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें परेटो का सब कुछ पता चल गया। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट परेटो इज इनकरेक्ट? कंज्यूमर मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। देयर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द फैक्टर एंड द कमोडिटी मार्केट। थर्ड कंडीशन कह रहा है कंज्यूमर हैज द कार्डिनल यूटिलिटी फंक्शन। फोर्थ कह रहा है ऑल द फैक्टर आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द ऑल द कमोडिटीज, मतलब कैपिटल और लेबर बोथ आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स वाई। कैपिटल और लेबर दोनों ही यूज होंगे एक्स और वाई की प्रोडक्शन में। वरना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप कहाँ पे बोल रही हैं, कौन फिगर नहीं है वो, फिर ये है, ये लीजिए आपके लिए कंडीशन सामने है। इफ यू कुड प्लीज पिन पॉइंट वरना आई विल गो बैक। ऑलराइट, द आंसर्स आर कमिंग अप। अनीश इज सेइंग 3, वंदना इज सेइंग 3, निचू इज सेइंग 3। ज्योतिका इज सेइंग 3 इंडीड, द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है आपको, कंज्यूमर हैव कार्डिनल यूटिलिटी गलत है, ऑर्डिनल यूटिलिटी है, तभी हम इंडिफरेंस कर्व्स बना रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व हिक्स ने दिए थे और एजवर्थ ने अपने एनालिसिस में यूज किए, जिसको यूज करके परेटो ने अपनी ऑप्टिमैलिटी की कंडीशंस बताई है। यस, मार्शेलियन पिगोवियन कंडीशंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। परेटो मार्जिनल कंडीशंस फॉर एफिशिएंसी इन द कंपोजिशन ऑफ आउटपुट, मतलब प्रोडक्ट मिक्स में, इनमें से कौन सी है? MRTS ऑफ X इज इक्वल टू MRTS ऑफ Y इज इक्वल टू MRTS LY, ठीक है। MRS A इज इक्वल टू MRS XY A इज इक्वल टू MRS ऑफ B। यहाँ पे Z भी है, तीन इक्विलिब्रियम्स लिए हैं इन्होंने, तीन लोगों के लिए लिए हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड तीन लोग हैं। MRTP XY इज इक्वल टू MRS XY A MRS XB XY, ठीक है। MRTS Y is equal to MRS A XY MRS Z XY। प्रोडक्ट मिक्स की आपको कंडीशन याद करनी है, जहां पे हमने PPF बनाया था, ICs बनाए थे,
पीपीएफ की जो स्लोप है वो हमें कहां से मिलती है, एम आर ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से, एम आर पी टी से मिलती है, ठीक है। और यहां पे एम आर एस के बराबर होती है ये, ये मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। रूपांशी सिंह ए, अनिश सिंह डी, नीचू सिंह सी, वन्नाई सिंह डी, ज्योतिका सिंह थ्री, शिवानी सिंह थ्री, यहाँ पे थ्री है आंसर, थ्री इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट का पे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया है। एक्चुअली परेटो जो है वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, किन किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। परेटो कहता है कि अगर ए का वेलफेयर 100 है, बी का वेलफेयर 100 है, आप एक नई पोजीशन पे पहुंचते हैं जिसके अंदर ए का वेलफेयर जो है वो इंक्रीज कर जाता है और बी का जो वेलफेयर है वो सेम रहता है, तो आप एक परेटो क्या इंप्रूवमेंट हो गई, ठीक है, मतलब आपका जो सोशल वेलफेयर है वो इंक्रीज कर गया है। प्रोडक्ट मिक्स में आपको मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेना था, इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे है आपको वही लेना है। फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे तो MRTS है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेना था, इसलिए थर्ड करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। तो अगर ये आपको परेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन हो गई, परेटो एफिशिएंसी की कंडीशन है कि जब आपका सोशल वेलफेयर इंक्रीज कर जाएगा, जब एक का वेलफेयर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं और बाकी को बराबर रख रहे हैं। लेकिन हिग्स और कैल्डर कहते हैं और स्टॉक्सकी, ये तीनों ये कहते हैं कि अगर ए का वेलफेयर है वो 120 बढ़ गया लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ बी, बी का वेलफेयर अगर घट गया, इस कंडीशन को परेटो नहीं एक्सप्लेन करता। मोस्ट वेलकम रूपांशी, जितनी बार आप डाउट्स पूछोगे मैं उतनी बार ही आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, नो प्रॉब्लम। और डाउट पूछने टाइम डरना नहीं है कि ये वाला जो डाउट है इसमें पता नहीं कैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, डाउट्स पूछते रहना है, ठीक है। लर्निंग कर्व है, हर एक का डिफरेंट होता है और किसी का कुछ बहुत अच्छा होता है, किसी को कहीं पे प्रॉब्लम आती है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इट टेक्स टाइम टू मेक अ परफेक्ट स्टूडेंट, तो आप उसके साथ थोड़ा सा बियर विद योर सेल्फ, अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो ही आप एकदम परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस क्राइटेरिया को परेटो नहीं बताता, जहां पे वेलफेयर क्या है डिमिनिश कर रहा है, तो इसीलिए हिक्स ने अपनी एक आर्टिकल लिखा, द फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, और कहाँ पब्लिश किया था, इकोनॉमिक जर्नल में 1939 में, ठीक है। उसी को देख के फिर कैल्डर ने भी लिखा, मतलब सेम ही टाइम पीरियड की बात है, वेलफेयर प्रोपोजिशन इन द इकोनॉमिक एंड इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी, सेम ही टाइम में ये दोनों बातें लिखी गई हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसीलिए हम इनको कैल्डर और हिक्स को साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं, कोई भी हम नई थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी सी उनकी अजम्पशंस पर ध्यान देना होता है। यहाँ पे वो कह रहा है द सेटिस्फेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंट,
जो सेटिस्फेक्शन है एक इंडिविजुअल की वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किससे, दूसरे इंडिविजुअल से। मेरे मुझे क्या चीज पसंद है, मेरे मुझे किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो किसी और की यूटिलिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। देन अगेन देर इज नो एक्सटर्नैलिटी, कोई भी एक्सटर्नैलिटी नहीं है। तो जहां पे भी आपको कुछ एग्जाम्पल, कई जगहों पे आपको बुक्स में एग्जाम्पल मिलेंगे कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है कोई और उससे एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है, वो कैल्डर और हिक्स के एनालिसिस में नहीं है, ठीक है। वहां पे एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है वो आके इस कैल्डर और हिक्स में उन्होंने नहीं कंसीडर किया है। वो आप एग्जाम्पल देने के लिए बोल सकते हैं लेकिन दैट वुडंट बी फेयर टू कैल्डर एंड हिक्स। नेक्स्ट इज टेस्ट, टेस्ट जो है इंडिविजुअल के वो कॉन्स्टेंट रह रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन अलग हो गई वो पहले हो गई, उसको छोड़ दो। अब सेटिस्फाई किसी को करना है, मतलब कि उसको हायर लेवल ऑफ उसके अपने आईसी पे लेके जाना है, ये दोनों कंडीशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, इनको अलग किया जा सकता है। ये आप धीरे धीरे करके जब आप और समझेंगे इस कंसेप्ट को, आपको समझ में आता जाएगा। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड ऑर्डिनरली। यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनरली ही मेजर होती है। अब आपको ये सारे एजम्पशंस पता चल गए। ठीक, नाउ आई हैव दिस कर्व जहां पे ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव टेकन द एज यूटिलिटी एंड ऑन द वाई एक्सिस आई हैव टेकन द बीज यूटिलिटी। कैल्डर इज सेइंग इस कर्व पे समझ लीजिए इकोनॉमी यहां से इस पॉइंट से शुरू हो रही थी और कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी हुई, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी ली गई कि हम इस टी पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है। इस टी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ए की यूटिलिटी फॉल डाउन कर रही है और बी की यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है। कैल्डर और हिक्स इसका सोल्यूशन देते हैं कि अगर सोसाइटी की आपको वेलफेयर को बढ़ाना है, सोसाइटी की जो वेलफेयर है वो बढ़ जाएगी अगर बी अपनी यूटिलिटी का थोड़ा सा पार्ट जो है वो ए को दे दे, और कितना दे दे कि वो कॉम्पनसेट कर दे उसको जितना उसका लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, लेट्स से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्स नॉट एक्स वन उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कर दे, और अगर इस पॉइंट से भरपाई करने के बाद व्हेन यू एक्चुअली गिव अ लिटिल बिट ऑफ योर यूटिलिटी टू ए देन यू गेट अ पॉइंट आर हेयर फ्रॉम टी टू आर द वेलफेयर हैज इंक्रीज्ड फॉर ए एंड डिमिनिश अ लिटिल बिट फॉर बी, ठीक है। यूटिलिटी थोड़ी सी बी की कम हुई है और ए की बढ़ी है, लेकिन कैल्डर और हिक्स कहता है कि ऐसे सिचुएशन क्यू से आर तक जो ये पूरा जर्नी है इसमें सोसाइटी का वेलफेयर होता है, ठीक है। लेट दिस सिंक इन, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। यहाँ पे आप मॉरल्स को भूल जाइए, मॉरेलिटी नहीं देखनी है यहाँ पे। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे कोई इमोरल काम कर रहा है, हम वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी किसी को जो भी कंज्यूम करना है, जो भी उसको प्रोड्यूस करना है वो कर सकता है। यहाँ पे हम मॉरेलिटी नहीं देख रहे हैं किसी भी चीज़ की। अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, स्मोक कर रहा है, तो उसमें हम मॉरेलिटी नहीं देख रहे हैं। आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, दोनों एक ही बात बोलते हैं।
हाँ जी, दोनों का ही एक ही सेम ही क्राइटेरिया है, इसलिए इसको कैगर एंड हिट्स एनालिसिस भी बोल देते हैं। जो इनकी और डिफरेंसेस हैं कि एक पहले जजमेंट को लेता है कि प्रोसेस शुरू होने से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने से पहले ही कंसीडर कर लेता है कि एंड रिजल्ट क्या होगा। और कुछ इनमें डिफरेंसेस ये भी हैं कि अजम्पशंस में एक आधा कुछ डिफरेंस है। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, वो आप लोगों के लिए नहीं है। कैल्डर और हिट्स आप साथ में ही पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में साथ में ही दिया हुआ है। जो क्वेश्चन आ रहा है रूपांशी, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपसे डिस्कस कर लूंगी। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है तो आप वो पूछ लीजिए। हाँ जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि गेनर क्या है, लूजर क्या है, तो आपको कैल्डर और हिक्स में जो डिफरेंस है ना, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको विनर और लूजर यहाँ भी समझ में आ गया है, तो क्विक सा डिफरेंस आपके लिए ये हो जाएगा कि जो कैल्डर है वो विनर की साइड से बोलता है और जो हिक्स है वो आपकी लूजर की साइड से बोलता है। ठीक है, हेलो इंदु, जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक ही चैनल है। हाँ ओके ओके, लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड। अब यहाँ पे ये कर्व है, अब कैल्डर एंड हिक्स कंसीडर करते हैं अगर हम, तो वो एसेंशली बोल रहे हैं कि यूटिलिटी ऑफ ए और ये यूटिलिटी ऑफ बी जो है, अगर यहाँ पे ये यूटिलिटी कर्व जो है सोसाइटी के अपवर्ड मूव करते हैं, तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ हाइयर लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, और ये हाइयर लेवल पे कैसे पहुंचेंगे, कोई वेलफेयर अगर चेंज आए, कोई पॉलिसी डिसीजन नया लिया जाए। ठीक है ठीक है, एग्जैक्टली कोई पॉलिसी रिकमेंडेशन लिया जाए यहाँ पे। हाँ चलिए आगे बात करते हैं, ट्रॉट्स्की पैराडॉक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पैराडॉक्स इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो कैल्डर एंड हिक्स से समझ नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जी रूपांशी, एग्जैक्टली। तो जहां पे आप लूजर की साइड से बोल रहे थे, लूजर को कॉम्पनसेट करने के लिए बोल रहे थे, वहां पे विनर को आपको कॉम्पनसेट करना होगा। बात वही है, बात सेम है। यहां पे है आपकी यूटिलिटी ऑफ ए, यहां है आपकी यूटिलिटी ऑफ बी, एक पॉइंट है यहां पे सी, इसी के सामने एक पॉइंट है एफ, यहाँ पे एक पॉइंट है डी और यहाँ पे इसके सामने एक पॉइंट है ई या जी एच और के एल नाम रख लेते हैं इसका, के एल। ठीक है, तो
आई होप कि वीडियो सबको क्लियर है. ऑल राइट, तो यहाँ पे जो जी एच है उससे जो आपकी सोसाइटी की यूटिलिटी है वो इंक्रीज होके के एल पे पहुंच गई है. ठीक है, जब आप सी पे थे, जब आप सी लेवल पे थे, वहां से आपकी यूटिलिटी जो है वो डी पे पहुंच गई है. अब यहां से क्या हुआ, यूटिलिटी ऑफ ए तो जो है वो इंक्रीज कर गई है, बट यूटिलिटी ऑफ बी डिक्रीज कर गई है. अब यहां पे आपको कैल्डर एंड हिक्स क्राइटेरिया बोलता है कि अगर यूटिलिटी ऑफ बी को कॉम्पनसेट कर दिया जाए एफ पॉइंट तक ही, ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा एफ, वहां पे हायर लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर होएगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सी से एक हायर लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर पे पहुंच रहे हैं जब हम डी पॉइंट पे जा रहे हैं, क्योंकि वो सेम यूटिलिटी कर्व पे है किस सोसाइटी के लिए. ठीक है, इसी कर्व पे है, डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा. कैल्डर एंड हिक्स क्राइटेरिया कहता है डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा बाद में, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है. अगर हो जाता है और आपको वेलफेयर इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है दोनों का, तो यहाँ पे आपका एक जो हाइयर सोशल वेलफेयर पे पहुंच जाएंगे. तो एक ये कंडीशन आ गई हमारे पास. ठीक है, उसके बाद स्टॉस्की कहते हैं कि इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में देख लीजिए. लेट्स से कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट डी और डी से हम सी की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, डी से वी आर मूविंग टुवर्ड्स सी. अब यहां पे क्या हुआ, डी से सी पे जाने के लिए वेलफेयर और या यूटिलिटी ऑफ बी इंक्रीज्ड, बट द यूटिलिटी ऑफ ए इट फेल डाउन. कम हो गई यूटिलिटी किसकी, ए की. अब वो ये कह रहा है कि अगर कैल्डर और हिक्स क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर ए की यूटिलिटी को वापस से सेम लेवल पे रख दिया जाए तो हम एक हाइयर लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर पे पहुंच जाएंगे. डी के सेम यूटिलिटी मतलब पॉइंट ई पे पहुंच जाए, और बी का तो फायदा हो ही रहा है, तो इसका मतलब जो ई है वो एक आपको सुपीरियर पॉइंट मिल गया. इसका मतलब क्या है, रिवर्स में जो सी है वो एक सोशली हाइयर वेलफेयर पे है. तो ये एक पैराडॉक्स आ गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि रिवर्स डायरेक्शन में जब बोलते हैं तो दोनों ही हो गए. ये कैसे हो सकता है कि एक केस में सी ज्यादा एफिशिएंट है और एक पॉइंट पे डी. तो दिस इज अ पैराडॉक्स, ये एक पैराडॉक्स आ गया. नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट बस फाइनल क्वेश्चन है, ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाएगा. ये गेनर एंड लूजर वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी मैं जो क्वेश्चन है उससे एक्सप्लेन कर दूंगी आपको. वो मैंने आज स्लाइड्स में लगाया नहीं है, लेट दिस पार्ट सिंक इन. इतना समझ लीजिए, इतना समझ में आ गया वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. जल्दी से पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए. द इनकंसिस्टेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज लेबल्ड एज स्टॉस्की पैराडॉक्स. पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है. लिटिल क्राइटेरियन, परेटो क्राइटेरियन, बर्जनसन क्राइटेरियन या कैल्डर हिक्स क्राइटेरियन. तो जल्दी से बता दीजिए.
a lot of you are saying B, Calder Hicks criterion. So exactly, Calder and Hicks criterion is correct. D is correct. So kudos to all of you. अगर कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं. आप ये बात नोट डाउन कर लीजिए, जो कैल्डर का क्राइटेरियन है दैट इज फ्रॉम द गेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और हिक्स का जो है दैट इज फ्रॉम द लूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो जैसे यहाँ पे इस क्राइटेरिया में कुछ पार्ट निकाल के गेनर अपना दे दे रहा है किसको, लूजर को, वैसे ही हिक्स क्राइटेरिया में जो लूजर है ही विल आस्क फॉर अ पेमेंट. ओके, ऑलराइट, करेक्ट एवरीबॉडी. तो इन तीन में से आपके कितने मार्क्स आ गए जल्दी से बता दीजिए. कल मैं फिर से आपके लिए बता रही हूँ कि कल हम शाम में इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 2021 के, और मॉर्निंग में ये 9 PM करेंगे और मॉर्निंग में 10 AM we are going to discuss the past year questions. इस वीक में हम ट्रेड थ्योरीज भी करने वाले हैं, बजट भी करेंगे. ऑल्सो गाइज, सैटरडे को लिंक्स वुड बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप. 2 मैराथन सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपको कम एक्सप्लेन करूंगी और आपका ज्यादा टेस्ट रहेगा. हम ट्राई करेंगे कि 1 आवर में हम एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ताकि आपको एग्जाम हॉल जैसा थोड़ा सा फील आए. तो सी पॉइंट से दोबारा एक्सप्लेन करूं क्या, क्या वाला पॉइंट सी का ऑप्टिमल पॉइंट अगेन. अच्छा, सेकंड पार्ट. तो अगर एक बार इरेज कर लेते हैं इसको, सी पॉइंट है ये आपका एफ पॉइंट है, ये डी पॉइंट है. यहां पे वो कह रहा है कि अगर उल्टा सोच लीजिए कि डी से अगर सी की तरफ मूव कर रहे हैं तो डी से सी की तरफ मूव करने में क्या हो रहा है, ए की यूटिलिटी कम हो रही है और बी की यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है. तो कैल्डर हिक्स क्राइटेरिया आपको कहता है कि अगर जो नए वाले यूटिलिटी कर्व पे सेम लेवल पे रख दिया जाए ए की यूटिलिटी को, फॉर एग्जांपल ई पे कॉम्पनसेट कर दिया जाए उसको, तो इससे आपका जो नया पॉइंट आता है वो आपका कैल्डर और हिक्स के हिसाब से हाइयर लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर पे होगा. रूपांशी, अभी मैंने वो क्वेश्चन नहीं लगाया है, आई विल एक्सप्लेन यू द सेम इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस. अभी के लिए लेट अस कॉन्सेंट्रेट कि यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या करवाया है, उसे सिंक इन कर लीजिए. उसके बाद लूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको समझ में आ जाएगा. आई हैव अ प्रॉब्लम इन द बजट सेशन. बजट सेशन का भी जो भी प्रॉब्लम है आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. पेमेंट का यहाँ पे सिर्फ मतलब ये है कि जैसे आप ये देख रहे हो कि गेनर्स जो हैं वो खुद अपनी खुशी से क्या कह रहे हैं कि लूजर्स को कुछ पे कर रहे हैं, वहां पे लूजर्स वुड बी एंटाइटल फॉर सम पेमेंट. कि अगर आपके साथ ऐसा खराब कुछ कोई करता है, कोई फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी की एक्टिविटी से कोई प्रॉब्लम होती है
राइट आपका है कि आप उनसे एक पेमेंट लेंगे। यहाँ पे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप जो है अपने लेक्चर जो है खुद डिजाइन करते हैं, जो जो पार्ट्स आप कहते हैं कि आपको जिन जिन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आपको करना ये है, प्रॉब्लम आपको बताने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको मुझे मेंशन करना है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप जरूर मेंशन कीजिए मुझे, और मैं आपके जो डाउट्स हैं वो ले लूंगी। अगर हमें डाउट सेशन लेना है उसके लिए हमें डाउट्स इकट्ठे करने होंगे, तो अपने आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो इकट्ठे कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, एक एक करके आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे। अगर हम लाइव डाउट सेशन लेते हैं वो काफी लंबा बन जाएगा, अगर इफ आई वुड स्टार्ट आस्किंग यू वेट टाइम उसमें बढ़ जाएगा, तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने डाउट सारे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और मैं वहां से आपसे ले लूंगी। इसीलिए ये जो कन्फ्यूजन चल रही है ना, इसीलिए मैं बोल रही थी, एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ गया, लेट इट सिंक इन, आप इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, आपका जब एकदम सिंक इन कर जाएगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वरना मैं नोट डाउन तो कर रही हूँ, लेकिन चैट बॉक्स में क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है, प्रोबेबिलिटी का जैसे डाउट बोल रही है, एक बार कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर लेना, इट विल बिकेम अ लॉट ईजियर फॉर मी अगर मुझे वहां से डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में से मिल जाएंगे आपके डाउट्स। सैटरडे को लेंगे मैराथन सेशन, अभी के लिए हम यूट्यूब पे ही लेने का सोच रही हूँ मैं, बट इफ आई वुड बी एबल इफ द टाइम अलाउज तो मैं मेंटी पे भी आपका क्विज ले लूंगी, ठीक है? तो जितने कोई अभी डरने वाली बात नहीं है कि मेंटी पे कैसे होता है, उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो हम मेंटी पे भी क्विज कंडक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर हमें जल्दी से पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट है आंसर और कौन सा इनकरेक्ट है, उसमें मार्क्स भी आ जाएंगे और मैं लीडर बोर्ड भी ऑन कर दूंगी, तो उसमें जो टॉप करेगा वो भी पता चल जाएगा, ठीक है? ठीक है, पोर्टर्स अप्रोच भी ले लेंगे, आपस अपना जो भी डाउट्स है ना कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। ऑल्दो आई डू मेक अ नोट, जब भी आप चैट बॉक्स में जो भी लिखते हैं आई डू मेक अ नोट ऑफ दैट, ये सारे जो सेशन हैं वो आपके चैट बॉक्स में लिखे हुए ही कमेंट से हैं। ऑलराइट गाइस, अ क्विक अनाउंसमेंट फॉर एवरीबडी, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इफ यू आर डाउनलोडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप मेरे कोड यानी कि सावेरी 10 को यूज कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आप प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेने के सोच रहे हैं तब भी आप इसी कोड सावेरी SAVERI10 को यूज कर सकते हैं टू अवेल 10% डिस्काउंट। Unacademy app पे वी टेक स्पेशल क्लासेस, दीज आर आर फ्री क्लासेस विच वी टेक ऑन Unacademy प्लेटफॉर्म। ऑल्सो गाइज, जो प्राइजेस हैं वो हाइक होने वाले हैं, देर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द प्राइजेस, आज आखिरी दिन बचा है और कल से हमारी जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे, तो जल्दी से आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आप और स्ट्रेटेजिक और टारगेटेड तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी को कर पाए। Also guys, like this video if you enjoyed it, share it with everybody and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. It would mean a lot to me. Agar aapko jo lecture hai wo pasand aata hai, aap like karte hain, so mere liye aur bhi fruitful lecture banane ke liye mujhe motivate karta hai. So do like and share this. Most welcome Rupanshi. Good night. All right. Good night everyone.
I hope there is no doubt. So एक फुली पैक्ड तैयारी हो जाएगी आपके लिए अभी, आप देखेंगे जितने आपके डाउट्स है वो तो मैं ले ही रही हूँ। उसके बाद जब हम मैराथन करते हैं उससे और अच्छी तैयारी हो जाती है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपकी अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी कर पाए। और अब अगर आपको और भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक तैयारी करनी है, टॉपिक वाइज एनालिसिस चाहिए, एक एक टॉपिक सिलेबस का एक एक टॉपिक चाहिए, तो आप प्लस और आइकॉनिक पे हमारे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं फॉर इकोनॉमिक एज वेल। ऑल राइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस और सी यू टुमारो एट 10 AM। ऑल राइट, ओके गाइज, गुड नाइट, वेलकम 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 एवरी वन, थैंक यू।